नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आशा रानी जी जुड़ी हैं, जो पहली बार ये डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंची हैं। जानते हैं ये किस सोच से पहुंची हैं और क्या लगता है इनको उन खबरों के बारे में जो मीडिया में दिखाई जा रही थी 4 साल पहले। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, पहली बार आप डेरा सच्चा सौदा में आई, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर माहौल कैसा है, लड़कियों को लेकर माहौल कैसा है? ठीक है। आप किसके साथ आए, कौन कौन आए? मेरे जवाई राजा और मेरी बेटियाँ जी। लड़कियों के लिए कभी भी आपको अलग तरीके का महसूस हुआ हो, जहाँ आपको लगा हो कुछ? हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। अच्छा, मैं तो खुद यहाँ आई हूँ कि हमारे घर के भी मतलब कि वो बदल जाए। क्या क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि शराब पीते हैं, हम सोचते हैं कि इनके साथ जुड़े और भाई वो भी सीधे रास्ते पे आ जाए, नशा छोड़ दे, शराब छोड़ दे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दुखी हूँ मैं। कैसे हालात हैं अब, क्या क्या मतलब? जो था सब बर्बाद हो गया। मेरे हस्बैंड थे ना, वो थे बिजली बोर्ड में, और बेटा है, बस वो गलत संगत में पड़ गया, अब वो छोड़ता नहीं। पूरा परिवार का बुरा हाल हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, सन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा अब समाज में नहीं है। हाँ। क्या आपको लगता है उनकी ज़रूरत है? लगता तो है भी, जैसे उन्होंने अब सुना है भी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा किया, पर बंदा तो कुछ नहीं करता, जो करता है वो सतगुरु परमात्मा ही करता है, बंदा कुछ नहीं करता। मैम, आपको क्या लगता है जो मीडिया में खबरें दिखाई जा रही थी उनके बारे में कैसा महसूस करते हो आप? क्या महसूस करना आपको क्या लगता है, आप खुद आश्रम में पहुंचे हो, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने? बिल्कुल। सत्संग डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा के लिए क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? वो बाहर आ जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है, लगातार पब्लिक किस तरीके से बता रही है कि परिवार के परिवार दुखी हैं नशे की वजह से। हम तो बहुत दुखी हैं। इनके पति भी जो बिजली बोर्ड में थे, अब वो हार्ट के मरीज हैं, उनका 15 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, और बेटा ये नहीं सोचता कि मेरा बाप बीमार है और मैं छोड़ दूँ। छोड़ दे तो 15 दिन छोड़ दे, उसमें और कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, बस छोड़ दे। 15 दिन लग जाए तो 10 दिन छोड़ता ही नहीं। ये परिवार दुखी होकर आज डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं, जिनकी उम्मीद है कि इनके परिवार से भी नशा खत्म हो जाए। किस तरीके से ये दुखी हैं, इनका बच्चा भी गलत संगति में, इनका कहना है जिसकी वजह से ये दुखी हैं, और ये अपील कर रही हैं सरकार से कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा को समाज में वापस आना चाहिए, ताकि जो जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों घरों को स्वर्ग बनाया है, तो इनके परिवार को और लोगों को भी स्वर्ग बने। और इनका इनका कहना है कि इनका बेटा भी है यहाँ पर आए और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा समाज में वापस आए। लगातार समाज की जो जनता है वो अपील कर रही है सरकार से, सोचिएगा जरूर। एक तरफ चंद लोग और गुमनाम पत्र, एक तरफ हजारों लड़कियां आपके सामने आकर बोल चुकी हैं और करोड़ों लोग आज भी उनके साथ हैं और कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको समाज से दूर किया गया है। जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा खत्म हो, उन लोगों ने संत जी को समाज से दूर किया है। आप भी जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।